मैं हस्बैंड हूँ, ये मेरा वाइफ है। hey! नहीं 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 नहीं, मैं हस्बैंड हूँ, वो मेरा वाइफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड वेलकम बैक टू अवर अनदर वीडियो। टाइटल और थंबनेल देखे तो आपको पता चल गया होगा कि आज कोई व्लॉग का वीडियो नहीं है। हम लोग कमेंट के रिप्लाई करने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू, तो बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स का तो हम लोग ऐसे ही रिप्लाई करते हैं, लेकिन जो नेगेटिव कमेंट्स आता है वो तो हम लोगों ने इग्नोर कर जाते हैं बस ऐसे ही। लेकिन आज हम लोगों ने सोचा कि नहीं, थोड़ा बहुत तो रिप्लाई बनता ही है ना, और कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो जिसका रिप्लाई हम लोग ना दे करके करके देना पड़ता है। फ्रेंड्स, वो लोग समझते हैं कि हम लोग रिप्लाई नहीं देते तो चुपचाप बैठे रहेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए हम लोगों ने वो सारे कमेंट्स का रिप्लाई देने वाले हैं अभी इस वीडियो में, तो आप लोग तैयार हो ना। लेकिन उससे पहले जो जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसे ही न्यू न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो देखो, मजा लो। तो चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले किसी ने कमेंट किया है कि तुम दोनों का मम्मी पापा है नहीं और दोनों का घर वालों ने कुछ क्यों नहीं बोलता। तो पहले ही बोलना चाहते हैं कि मम्मी पापा कहाँ से आता है जब कोई ब्लॉग करता है। पता है हम दोनों लड़की है, हम दोनों रिलेशनशिप में है, तो ये देख के बहुत सारे लोग को ऑड लगेगा। जो लोग क्या बोलते हैं, जिसको दिमाग में कुछ नहीं है, वो लोग सिर्फ वो लोग को ही लगेगा कि ये ऑड है। लेकिन ये प्यार है, आप लोग भी तो लड़का से है या कोई लड़का लड़का से, लड़की लड़की से, ये नॉर्मल बात है। सब आगे बढ़ गए, आप क्यों पीछे हो? तो आप क्यों ऐसे बोल रहे हो कि मम्मी पापा? हाँ, सबकी मम्मी पापा होते हैं, सबकी मम्मी पापा डांटते भी है, और ऐसे हम दोनों गर्ल्स हैं इसी वजह से आप लोग बोल रहे हो। लेकिन ऐसा भी होता है कि एक गर्ल एक बॉय दोनों जब प्यार करते हैं, घर वालों का सपोर्ट नहीं रहता है, तो उन लोगों ने माना भी करते हैं, उन लोगों ने समझाते भी है। लेकिन प्यार एक चीज़ है ना, मतलब क्या से क्या हो जाएगा किसी को नहीं पता है। और जो जो हमारा फ्रेंड्स है सभी को तो ऐसे ही पता है कि जो लोग हमारा वीडियो देखते हो सभी को मालूम है कि हम दोनों ने एक दूसरे को पाने के लिए कितना कुछ किए हैं। फैमिली ने भी बहुत सारे समझाने की कोशिश किया और हम भी फैमिली को समझाने की कोशिश किया, लेकिन बहुत सारे दिक्कत के बाद हम दोनों एक हुए हैं। तो फैमिली तो है ही हमारा, और उन लोगों ने भी हम लोगों को समझाया, लेकिन प्यार है, क्या करें बताओ। और अभी तो मेरे फैमिली ने सपोर्ट कर रहा है, मेरे फैमिली ने मान लिया है। तो एक ही बात बोलना चाहती हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को अच्छा लगे तो सही, नहीं अच्छा लगा वो भी सही, सभी को अच्छा लगे ये तो बात नहीं है ना। लेकिन उल्टा सीधा मत बोलो, और स्पेशली मम्मी पापा को लेके ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा भी मम्मी पापा है तो तुम किसी को और दूसरे को मम्मी पापा को लेके बोल रहे हो, तो मतलब तुम्हारा पारिवारिक कैसा है वो तुम्हारा कॉमेंट में ही दिख रहा है। तो इसको साइड पे रखते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर एक बात समझदार हो तो समझ गया। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, हमारे हमको लेके 100 बात बोलो ठीक है, लेकिन हमारे मम्मी पापा को लेके कुछ खराब अगर बोला तो हम लोग नहीं चुप रहने वाले हैं। इसका आंसर एकदम करारा जवाब में मिलेगा आप लोगों को। तो मम्मी पापा को साइड में रखो, जो बोलना है हम दोनों को बोलो, हम लोग इग्नोर करते हैं, ठीक है ना। तो चलो ये सब छोड़ो, चलते हैं नेक्स्ट कमेंट पे। नेक्स्ट कमेंट आया है, बहुत सारे फ्रेंड ने ये कमेंट किया, सबको समझ में ही नहीं आ रहा है कौन गर्ल है और कौन बॉय है। तो मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, आप चश्मा लगाओ, चश्मा लगा के हमारा वीडियो देखो तो आप लोगों को पता चलेगा कौन गर्ल है कौन बॉय है। और सभी को तो ये भी मन में क्वेश्चन है कि तुम दोनों क्या बहन हो, तुम दोनों क्या फ्रेंड हो, तुम दोनों मतलब क्या लगते क्या हो, लगते क्या हो। तो पहले तो कमेंट का आंसर हम लोग देते हैं कि हम दोनों गर्ल है और हम दोनों फ्रेंड भी है, हम दोनों मतलब प्यार भी करते हैं एक दूसरे से, हम दोनों हस्बैंड वाइफ भी है, सब कुछ है हम दोनों, ठीक है। लेकिन सभी कमेंट में ये भी क्वेश्चन ज्यादातर रहता है कि तुम दोनों में से हस्बैंड कौन है, वाइफ कौन है। मैं हस्बैंड हूँ, ये मेरा वाइफ है। नहीं 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 नहीं, मैं हस्बैंड हूँ, वो मेरा वाइफ है। आया समझ में कुछ? लेकिन इसको साइड पे रखो, ऐसा सोचने का आप लोगों को जरूरत नहीं है कि कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है। आप ऐसे नॉर्मली समझो कि इन दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक को हस्बैंड और एक को वाइफ बनना ही पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। दोनों एक दूसरे को प्यार करते यही एकदम बड़ा बात है। लेकिन हम लोग जितना भी बोले जितना भी जो भी कुछ करे, सभी को हमारे कमेंट भी, सिर्फ हमारे नहीं, लेस्बियन कपल बोलो गे कपल बोलो, सबके अकाउंट में घुस घुस के गलत जो कमेंट है वो तो करना ही है। हम लोग जितना भी बोले, आप लोग तो आप लोगों का जो हरकतें हैं वो तो बंद करने वाले नहीं हो,
लेकिन फिर भी हम लोग सोचा कि नहीं, थोड़ा कुछ आप लोगों के बताना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने ये वीडियो बना रही हूँ। और एक जो कमेंट आया है एकदम भर भर के आया है, और ये कमेंट को जब मैंने देखा मैंने तब भी सोचा था उधर ही मैं रिप्लाई कर दूँ, लेकिन मैंने सोचा फिर नहीं, हम लोगों ने ये वीडियो के थ्रू बताएंगे तो उन लोगों को समझ में और ज़्यादा आएगा। तो इसीलिए आज मैं इसका रिप्लाई देने के लिए बहुत ही बेचैन हूँ। एक इंसान ने ये कमेंट नहीं किया है, बहुत सारे इंसान ने ये कमेंट किया है, तो इसलिए हम लोग सबका कमेंट बॉक्स जाके हमारा इतना टाइम नहीं है भाई, इसलिए हम लोग एक वीडियो करके छोड़ देंगे, जो सुनना है वो सुन लेगा और जिसको मुंह बंद करना है वो कर लेगा और जिसको भौंकना है वो भौंकेगा। तो आते हैं पहले वो कमेंट पे। तो कमेंट में ऐसे लिखा है कि इन दोनों ने मिलकर समाज को खराब कर रहे हैं और इनको देख के न्यू जनरेशन क्या सीखेगा। अय हाय, आपको देख के क्या सीखेगा कि दूसरे के कमेंट पे घुस के उसके वीडियो देखो और उसके बारे में उल्टा सीधा बोलते जाओ, ये सीखेगा आपको देख के समाज। पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, आप कौन सा ऐसा नेक काम किए हो कि समाज को आगे लेके गए हो, पहले ये क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दे दो, फिर हम लोग बताएंगे कि हम लोग समाज को खराब कर रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं। और एक बात, आप कौन होते हो हमको ये बोलने वाले कि हम लोग समाज को बिगाड़ रहे हैं, और कैसे, पहले ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दो। ऐसे लोग ना, मतलब इन लोगों का दिमाग में सच में क्या चलता है, क्या बोलता है कुछ भी पता नहीं। हम दोनों एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, इसमें समाज खराब हो रहा है। फ्रेंड्स, इन लोगों का घटिया कितना सोच है, मतलब सोचो आप लोग एक बार कि ऐसे किसी के प्यार के बारे में ऐसे बोल रहा है। तो इन लोगों का सोच को लेके हम दोनों का कोई परिचय नहीं है नहीं, आप लोगों को मन में जा जो कुछ आए आप लोग बोलते जाओ, और हम लोग तो ऐसे ही है, हम एक दूसरे को और भी ज़्यादा ज़्यादा प्यार करते रहेंगे और आप लोगों को सामने तो रोज़ आते ही रहेंगे ऐसे न्यू न्यू वीडियो लेके। तो आप लोग भी देखना, और आप तो समझ में ही हो ना, तो आप भी खराब हो जाना एकदम। और जो बोल रहे हो ना समझ खराब हो रहा है, जो खराब वाला समझ है उस हिस्से में आप पढ़ते हो, इसलिए आप ये बात बोल रहे हो, क्योंकि हमारा जो समझ है, हमारा जो फ्रेंड्स है, हमारा जो फैमिली है यूट्यूब में, तो वो फ्रेंड तो ऐसा नहीं सोचते, इसलिए हम लोग अभी उस साइड में नहीं गए, हम लोग अच्छे साइड में हैं समझ का। तो आप समझ का खराब साइड में हो तो उधर आप कोशिश करो सभी को सही रास्ता दिखाने का, ठीक है ना। हम लोग जो भी है अच्छा है एकदम, ठीक है। तो हम लोगों ने ये पहले नहीं बोलना चाहते थे, इसलिए हम लोगों ने ये सारे नेगेटिव कमेंट्स को ना हर टाइम अवॉइड करते हैं। पॉजिटिव जो कमेंट करता है फ्रेंड लोग, जो प्यार करता है ना, उन लोगों से हम लोग बात करते हैं, कमेंट का रिप्लाई भी करते हैं। जो कमेंट करते हो अब सभी को पता है कि हम लोगों ने सभी का रिप्लाई करते हैं, लेकिन जो नेगेटिव कमेंट होता है उसके ध्यान देने का हम लोगों का कोई टाइम है नहीं, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा जो कमेंट आता है ना, हम लोगों ने सोचते कि नहीं इन लोगों को भी तो कुछ रिप्लाई करना चाहिए, तो इसी वजह से आज दे दिया ना रिप्लाई एकदम ईट की जवाब मुक्का से। ऐसे बहुत सारे कमेंट आया है जिसको बोलने जाओ तो वीडियो एकदम यहाँ से यहाँ तक चले जाएंगे, लेकिन हम सोचे नहीं ये सब सवाल का हम लोग जवाब नहीं देंगे, कुछ कुछ सवाल का ही हम लोग चुना है जो जवाब देना चाहिए। और एक मोस्ट कमेंट जो लड़के लोग ने किए हैं वो है कि इसी वजह से हम लोग सिंगल है, मतलब हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं दोनों लड़की होके, इसीलिए उसके हिस्से में जो लड़की था वो कम पड़ गया है, और वो लड़का होके भी किसी लड़की को पटा नहीं पा रहा है, ये उसके लिए बहुत ही दुख का बात है सच में। पहले तो आप जाओ और जाके अच्छे से क्या बोलते हैं लड़की को पट होके आओ और लड़की को पटाने के लिए कोशिश करो कहीं मिल जाए कोई, क्योंकि ऐसे तो लड़की नहीं पटने वाली है सच में। और इतना जो सोच है आप लोगों का, ये सोचते तो नहीं पटने वाले, क्योंकि एक लड़की जो होता है उनके लिए सिर्फ प्यार ही काफी, और लड़का हो या लड़की। तो आप लोग हमारा वीडियो ज्यादा ज्यादा करके देखो तो पता चल जाएगा कि कैसे मतलब लाइफ पार्टनर मिलता है। तो यही सब कमेंट तो आते रहेंगे और हम जस्ट इग्नोर करते रहेंगे, तो चलो छोड़ो आप लोग। और आप लोगों का मन में अगर और भी कोई नेगेटिव क्वेश्चंस आ रहा है या फिर नेगेटिव कमेंट करने का मन कर रहा है तो ये वीडियो में भर भर के करो, भर भर के, और जिसका रिप्लाई हम लोग
सोचेंगे देंगे या नहीं देंगे वो बाद में देखा जाएगा। आप लोग कमेंट करना जरूर, और जो जो हम दोनों को ज्यादा प्यार करते हो वो भी कमेंट करना, दिखा देना कि जो नेगेटिव कमेंट करते हैं उससे ज्यादा आप लोग हम दोनों को प्यार करते हो, ये कमेंट में दिखना चाहिए फ्रेंड्स एकदम, क्योंकि हेटर से ज्यादा हमारा फैमिली मेंबर है जो हम लोग को बहुत सारे प्यार करते हैं। अगर दो तीन हेट कमेंट आता है उससे ज्यादा प्यार वाला कमेंट आता है जो देख के हम लोगों को हिम्मत मिलता है वीडियो बनाने का। तो आप लोग का प्यार से हम लोग सच में एकदम क्या बोलते हैं फुलफिल हो गए, और आप लोगों का प्यार कभी कम नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा भी प्यार आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा है जो कि इन लोगों को हेट के साइड पे एकदम कुछ भी नहीं है। तो इन लोगों को साइड पे रखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम दोनों और आप लोग हमारे साथ। तो चलो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट कोई इंटरेस्टिंग ब्लॉग या वीडियो लेके। तब तक के लिए आप लोग अच्छे रहना, खुश रहना और ऐसे ही हम दोनों को प्यार करते रहना। तो टाटा बाय बाय।